गुड मॉर्निंग। आज अपना लेसन नंबर 9 से तीसरा टॉपिक है, उसमें जो प्रभाव है उसमें पांचवा पॉइंट रह गया था, वो पढ़ेंगे आज, एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक, तो ये एंजाइम निरोधक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की वेग को क्या कर देते हैं, कम। यानी ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम निरोधक कहते हैं। इससे पहले कल टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि पीएच बता, पीएच अनुकूल पीएच के लिए क्वेश्चन किया था मैंने आपको, ठीक है। तो उसके लिए पहले का आंसर है 6.7 से 6.8 और दूसरे का आंसर है 8 से 11 पीएच होती है। तो उसमें दो थे कि एमाइलेज की कितनी होती है और दूसरी ट्रिप्सिन की कितनी होती है, दोनों की आपको बताती है। फिर आज का टॉपिक अपना एंजाइम निरोधक है, तो एंजाइम निरोधक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, एंजाइम निरोधक कहते हैं। जैसे साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कौन से है, एंजाइम निरोधक है, ठीक है। अब यहाँ एंजाइम निरोधक है उसके दो भाग हैं, ठीक है। यानी ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतिस्पर्धी और एक होते हैं अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी को क्या बोलते हैं, प्रतियोगी कहा जाता है, और अप्रतिस्पर्धी को क्या बोलते हैं, अप्रतियोगी कहते हैं। तो यहां अपन पढ़ेंगे जो एंजाइम है उस एंजाइम में एंजाइम निरोधक के पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्रतिस्पर्धी, दूसरा है अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी को क्या बोलते हैं, प्रतियोगी, और अप्रतिस्पर्धी को क्या बोलते हैं, अप्रतियोगी। अब देखो यहां पर होता क्या है, प्रतिस्पर्धी क्या होते हैं, तो ये एंजाइम है, जब एंजाइम से जुड़ने के लिए, ये एंजाइम हो गया, जब एंजाइम से जुड़ने के लिए आई का मतलब होता है इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं संधमन, और एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं, क्रियाधार, ठीक है। तो जब एंजाइम से जुड़ने के लिए संधमन और क्रियाधार में क्या पाई जाती है, स्पर्धा, यानी इसको इस ये जुड़ने के लिए इन दोनों में क्या रहती है, स्पर्धा रहती है, और जिसकी सांद्रता या जिसकी मात्रा अधिक होती है वो एंजाइम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो प्रतिस्पर्धी, तो ऐसे निरोधक या ऐसे पदार्थ जो एंजाइम से जुड़ने के लिए जिनमें क्या पाई जाती है, स्पर्धा पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी कहते हैं, ठीक है। क्या बताओगे, जब एंजाइम से जुड़ने के लिए स्पर्धा पाई जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी कहते हैं। अब इसमें तो एंजाइम से कौन जुड़ेगा, या तो क्रियाधार सबस्ट्रेट एस या आई इनहिबिटर जुड़ेगा, तो उसके लिए स्पर्धा होगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जिसकी सांद्रता अधिक होगी, इन दोनों में जिसकी सांद्रता अधिक होगी वो एंजाइम से जुड़ जाएगा, और जुड़कर क्या बनाएगा, एंजाइम संकुल सम्मिश्र बनाएगा। क्या बनाएगा, एंजाइम संकुल सम्मिश्र बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिस्पर्धी, दूसरा कौन सा है, अप्रतिस्पर्धी। तो सेम यही है, जब एंजाइम से संधमन या क्रियाधार के जुड़ने के लिए स्पर्धा नहीं पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अप्रतिस्पर्धी या अप्रतियोगी कहते हैं। तो तीन डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान दीजिए, पहला है एंजाइम निरोधक, वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या रोकते हैं एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं प्रतिस्पर्धी, दूसरा कौन सा होता है, अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी में तो एंजाइम से जुड़ने के लिए इनहिबिटर और क्रियाधार दोनों में क्या पाई जाती है, आपस में स्पर्धा पाई जाती है, जिसकी सांद्रता अधिक है वो जुड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए अपन, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पर किसकी क्रिया करवाते हैं, मेलिक अम्ल की। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पर किसकी क्रिया करवाते हैं, मेलिक अम्ल की। तो इसमें सक्सिनिक तो क्या हो गया है, क्रियाधार, और मेलिक अम्ल क्या हो गया है, निरोधक। तो जिसकी सांद्रता अधिक होगी वो इस पर जुड़ जाता है, ठीक है। अप्रतिस्पर्धी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कि जब
एंजाइम से जुड़ने के लिए इनहिबिटर और क्रियाधार में स्पर्धा नहीं पाई जाती है तो अप्रतिस्पर्धी कहते हैं। अब इसमें स्पर्धा नहीं पाई जाती है तो एंजाइम है वो सक्रिय स्थल के अलावा अन्य स्थान पर जुड़ जाते हैं, सक्रिय स्थल के अलावा अन्य स्थान पर जुड़ जाते हैं, जिससे एंजाइम की संरचना में क्या आ जाता है, परिवर्तन। अगर दूसरे स्थान पर जुड़ेंगे तो उसकी संरचना में क्या आ गया है, परिवर्तन। और संरचना में परिवर्तन आता है तो ये किसके समान कार्य करती है, जो एंजाइम किसके समान काम करेंगे, विष के समान काम करेंगे। और विष के समान कहेंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं, आविष। क्या कहते हैं, आविष। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, पीबी, एजी आदि। ठीक है, तो यहाँ आपने पढ़ा कि एंजाइम निरोधक है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी, दूसरा होता है अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी में जुड़ने के लिए, एंजाइम से जुड़ने के लिए सन्मन और क्रियाधार में स्पर्धा पाई जाती है, जबकि इसमें स्पर्धा नहीं पाई जाती है। और यहाँ एंजाइम की संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर विष के समान कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आविष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आविष भी कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, पीबी, एजी आदि। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं एंजाइम की क्रियाविधि, ये मेन टॉपिक। हाँ, अब देखिए अपन पढ़ेंगे एंजाइम क्रियाविधि। ये पीछे क्वेश्चन ने पूछ रखा है, एंजाइम क्रियाविधि को सचित्र समझाइए। तो एंजाइम क्रियाविधि है वो दो चरणों में, यहाँ अपन पढ़ेंगे कि निम्न प्रकार से दो भागों में बांट दिया गया है इसको, सॉरी, कि एंजाइम क्रियाविधि है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एंजाइम क्रियाधार से जटिल का निर्माण, यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा। दूसरा कौन सा है, सक्रियण ऊर्जा। तो पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। तो एंजाइम की क्रियाविधि दो भागों में संपन्न होती है, पहला है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। अब यहाँ एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है तो कैसे होता है, देखिए, तो इसमें जो एंजाइम है, एंजाइम को किसे बसाया, इसे किससे क्रिया करता है, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार से क्रिया करता है, और क्या बनाता है, ई एस कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाधार जटिल कहते हैं। तो इस क्रिया में एंजाइम है वो किससे क्रिया करता है, क्रियाधार। नाम ही क्या है, देखिए ऊपर, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, तो इसमें एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होगा, तो एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़कर, ये एंजाइम ये क्रियाधार दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ई एस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ई एस कॉम्प्लेक्स। फिर ये आगे क्या बनता है, एंजाइम अलग हो जाता है, और एंजाइम के बाद में क्या बन जाता है, उत्पाद, जिसको किसे दर्शाया जाता है, उत्पाद या प्रोडक्ट, पी से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहले एंजाइम किससे क्रिया करता है, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार से, क्रियाधार से क्रिया करेगा, दोनों साथ संयुक्त हो जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ई एस सी, अर्थात एंजाइम क्रियाधार जटिल कहते हैं। और फिर ये आगे किस में टूट जाता है, एंजाइम प्लस पी प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो एंजाइम अलग और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ इस एंजाइम क्रियाधार जटिल के निर्माण के पक्ष में दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला दिया गया है ताला चाबी सिद्धांत, यानी ये एक क्रिया किसके अनुसार बताई गई है, ताला चाबी सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था, और ये कौन सी थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी। जबकि दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है एंजाइम क्रियाविधि, तो पहले आपको बताना है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, इसमें दोनों सिद्धांत बताएंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे सक्रिय ऊर्जा, उसके बारे में बताना है, तो यहाँ से लेकर एंड तक बताना आपको। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, अलग, यानी उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो इसके लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं दो, पहला है तालाचाबी सिद्धांत और दूसरा कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है तालाचाबी सिद्धांत। हाँ, अब यहाँ अपन एंजाइम क्रियाधार जटिल है उसके निर्माण के लिए दो सिद्धांत दिए गए, पहला कौन सा है, तालाचाबी सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था। पीछे क्वेश्चन दे रखा है तालाचाबी सिद्धांत किसने दिया था, एमिल फिशर ने।
उसके बाद दूसरा सिद्धांत कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, जो किसने दिया था, कॉस्टलैंड ने दिया था 1966 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले सिद्धांत कौन सा, ताला चाबी सिद्धांत, ये ओल्ड थ्योरी है, यानी पुराना या पुराना सिद्धांत है ये। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि जिस प्रकार से एक ताला एक विशेष चाबी के दौरान खुलता है, भाई ताला है वो विशेष चाबी से खुलेगा, हर सभी चाबी लगती नहीं है, तो एक ताला एक विशेष चाबी से खुलता है, उसी प्रकार से एक एंजाइम है वो विशेष क्रियाधार से जुड़ता है, एक एंजाइम है उसके सक्रिय स्थल है वो विशेष क्रियाधार से जुड़ता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एमिल फिशर ने क्या कहा कि एक विशेष ताला है जो विशेष चाबी से खुलता है, उसी प्रकार से एंजाइम है उसके सक्रिय स्थल पर एक विशेष क्रियाधार जुड़ता है, यानी सक्रिय स्थल के आधार पर ही क्रियाधार जुड़ता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए चाबी एंजाइम है, ये ताला एस, ठीक है, जिसको सब स्टेट एक क्रियाधार कहेंगे, तो ये तो एंजाइम हो गया और ये क्रियाधार, अब आपस में क्रिया करते तो क्या बनाते हैं, ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम संकुल जटिल का निर्माण कर देते हैं, या कहेंगे एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं या जटिल का निर्माण करते हैं। बाद में ये एंजाइम अलग हो जाता है और एंजाइम के बाद में यहाँ किसका निर्माण बन जाता है या किसका निर्माण हो जाता है, उत्पाद का, प्रोडक्ट और एंजाइम। तो ये सिद्धांत कौन सा है, ताला चाबी सिद्धांत, लिखने में बहुत इजी है, क्या लिखोगे कि ये ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि जैसे एक विशेष ताले के लिए विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार से एक एंजाइम के सक्रिय स्थल के पर विशेष क्रियाधार जुड़ते हैं और वो क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्रियाधार जटिल बनाते हैं, लास्ट में एंजाइम और उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ये किसने दिया था, कॉस्टलैंड ने दिया था। इसके अनुसार क्या कहा गया कि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं, यानी एंजाइम से जहाँ क्रियाधार जुड़ता है, तो ये सक्रिय स्थल कहाँ, ये सक्रिय स्थल कहलाते हैं, जहाँ ये जुड़ रहा है, तो एंजाइम पर जो सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं, यानी लचीले होते हैं। तो कॉस्टलैंड ने क्या कहा कि एंजाइम पर जो सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ नहीं होते, यानी ये दृढ़ नहीं है अर्थात लचीले होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कॉस्टलैंड ने कहा कि एंजाइम है वहाँ पर जो सक्रिय स्थल, यानी जहाँ पर ये जुड़ेगा वो सक्रिय स्थल हो गया, तो सक्रिय स्थल है उस सक्रिय स्थल क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, लचीले होते हैं। अब लचीले होंगे तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के अनुरूप, जैसे मान लीजिए यहाँ तो मैंने गोलाई बनाई है और यहाँ क्या बनाया, मैंने स्क्वेयर बनाया है, परंतु इसके अनुरूप नहीं है, परंतु इसके साथ जब जुड़ता है तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाता है, अर्थात दृढ़ नहीं होने के कारण जैसे ही क्रियाधार के संपर्क में आएगा, कौन, एंजाइम, उसका स्थल परिवर्तन हो जाएगा, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और आसानी से इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के कारण इसे कौन सा सिद्धांत बोल दिया, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दोबारा देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि एंजाइम है उस पर जो सक्रिय स्थल, ये स्थान कौन सा है, सक्रिय स्थल, इस सक्रिय स्थल पर जो स्थान है वो क्या नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, यानी कौन से हो गए हैं, लचीले होते हैं। लचीले होने के कारण जैसे ही सब्सट्रेट आता है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है यानी इसके अनुरूप नहीं है, फिर भी आकर इसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है और क्या बनाता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कर लेता है और बाद में वही एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो आपने पढ़ा एंजाइम की क्रियाविधि में दो चरणों में संपन्न होती है, क्रियाधार एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, जिसमें दो सिद्धांत दिए गए हैं, ताला चाबी सिद्धांत जो ओल्ड थ्योरी है एमिल फिशर ने दी थी, जबकि दूसरी है प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो किसने दिया था, कॉस्टलैंड वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें विशेष ताले के लिए विशेष चाबी होती है, इसी प्रकार विशेष एंजाइम पर सक्रिय स्थल है उस पर विशेष क्रियाधार जुड़ते हैं और इस प्रकार से
एंजाइम और प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं। जबकि प्रेरित आसंजन में जो सक्रिय स्थल है वो दृढ़ नहीं होने के कारण अगर ये अनुरूप भी नहीं है, सब स्टेट इसके अनुरूप भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, ये फिट हो जाते हैं और आपस में क्या बनाते हैं, संकुल, और संकुल बनाने के बाद में क्या बनाते हैं, एंजाइम और उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब इसका रह गया सक्रियण ऊर्जा। अब क्रियाविधि के बाद में अपन दूसरा टॉपिक क्रियाविधि का लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा। किसका लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो अपन एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ रहे थे, उसमें पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें कॉम्प्लेक्स का निर्माण था, जिसमें दो सिद्धांत पढ़े हैं हमने, तालाचाबी, दूसरा प्रेरित आसंजन। अब यहाँ पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा, ये भी इसके साथ लिखना है क्रियाविधि में जब आए तो, ठीक है। तो क्रियाविधि, तो सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं, सॉरी यहाँ, तो सक्रियण ऊर्जा, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो अपने आप शुरुआत नहीं होती है, रासायनिक अभिक्रिया है वो स्वयं स्वतः प्रारंभ नहीं होती है। क्योंकि अभिकारक होते हैं या क्रियाधार होते हैं, उनके अणुओं में क्या पाया जाता है, ऊर्जा का अवरोध पाया जाता है। जो अभिकारक होते हैं या क्रियाधार होते हैं उनके अणुओं में क्या पाया जाता है, अवरोध पाया जाता है, ऊर्जा अवरोध, जिसके कारण ये स्वतः क्रियाशील नहीं होते। तो दोबारा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया स्वतः प्रारंभ नहीं होती है, कारण क्या होता है कि अभिकारक के अणुओं में ऊर्जा अवरोध पाया जाता है और जिसके कारण ये क्रियाशील नहीं होती है। तो इसके लिए जब एंजाइम है वो क्या काम कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम। अब सक्रियण ऊर्जा होती क्या, नाम ही देखिए सक्रियण ऊर्जा, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक हो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक हो वो क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। देख लीजिए यहाँ पर आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया अपने आप प्रारंभ नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ऊर्जा अवरोध पाया जाता है और उस ऊर्जा अवरोध पाया जाता है जिसके कारण क्रियाशील नहीं होते हैं। तो वह ऊर्जा जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया क्रियाशील हो जाए, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया शुरू हो जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो ये मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया को शुरुआत करने के लिए जो प्रारंभिक ऊर्जा होती है या न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब एंजाइम क्या काम करेंगे, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे यहाँ एक मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है, क्रियाधार उत्पाद, अगर एंजाइम होता है तो सक्रियण ऊर्जा यहाँ पर देखिए कम होगी, ठीक है। अगर एंजाइम नहीं है तो देखो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया, अधिक। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, सक्रियण ऊर्जा रहित, यानी एंजाइम यहाँ सक्रिय ऊर्जा, एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, यानी इसका मान अधिक होगा, जबकि एंजाइम जब होते हैं तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए साधारण अभिक्रिया होती है उस ताप पर अभिक्रिया दर बढ़ जाती है और जिसके कारण अणुओं की सक्रियण ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अधिक टेम्परेचर पर सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी और अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी यहाँ पर। फिर अगर एंजाइम होंगे तो वही अभिक्रिया किस पर होगी, सामान्य ताप पर होगी। कहाँ होगी, सामान्य ताप पर। क्यों, क्योंकि एंजाइम अभिकारक अणु की ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंजाइम्स के साथ में, यानी यहाँ देखा आपने, एंजाइम क्या कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो एंजाइम के साथ अगर क्रिया करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जबकि एंजाइम रहित होता है तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको एंजाइम क्रियाविधि में लिखना है और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन है, ताला चाबी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। आज के टॉपिक क्वेश्चन है कि ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया, और आपको एंजाइम की क्रियाविधि अच्छे से पढ़नी है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज कर इसका आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट शुरू करना है क्योंकि कमेंट के नंबर आपके जुड़ेंगे, तो कोई भी बच्चा ये नहीं है कि वीडियो देखकर अच्छी तरह उस कमेंट करे, कोई दिक्कत हो आप पूछो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।